डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी पर स्वागत है। आई होप आपकी पढ़ाई और आपकी हेल्थ दोनों ही बढ़िया हैं। आज आपने एक जरूर न्यूज़ देखा होगा कि जो स्पेन के प्रेसिडेंट हैं पेड्रो सांचेज, वो इंडिया विजिट कर चुके हैं और अब आने वाले टाइम में वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक हिस्टोरिक रोड शो भी करने जा रहे हैं। ये विजिट काफ़ी खास है बिकॉज 18 साल के बाद स्पेन के किसी प्रेसिडेंट ने इंडिया विजिट किया है। ये बताता है कि स्पेन के लिए आज इंडिया एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी बन के आई है। इसके अलावा लास्ट वीक आपने एक और न्यूज़ देखा होगा जहां पे जर्मन के जो चांसलर हैं वो इंडिया विजिट किए थे और इस बायलैटरल मीटिंग में बहुत सारे हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुए थे, सच एज लेबर मोबिलिटी के ऊपर, म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन लीगल मैटर्स, इसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन, तो ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे। फ्रांस के साथ आपको पता है इंडिया का काफ़ी अच्छा रिलेशन है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी लास्ट ईयर और इस साल बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ में विजिट किए हैं, सच एज ऑस्ट्रिया में विजिट किए हैं, पोलैंड में विजिट किए हैं, यूक्रेन में विजिट किए हैं। तो ये बताता है कि यूरोप इंडिया का रिलेशन आज एक नया टर्निंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आपको इंडिया यूरोप के रिलेशन का पास्ट पता होगा तो इंडिया यूरोप का रिलेशन उतना कुछ अच्छा नहीं रहा है। इनफैक्ट यूरोप के लिए हमेशा से प्रायोरिटी चाइना रहा है। यूरोप ने खूब चाइना में इन्वेस्ट किया है और आज चाइना के इस मेटियोरिक राइज का एक बहुत बड़ा रीजन है यूरोप का इन्वेस्टमेंट और यूरोप का टेक्नोलॉजी। तो यूरोप हैज ऑलवेज नेग्लेक्टेड इंडिया फॉर चाइना एंड इंडिया हैज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट नेग्लेक्टेड यूरोप फॉर अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। इसकी वजह से दोनों का रिलेशन कुछ खास नहीं रहा है हिस्टोरिकली, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई है एंड इंडिया इज लुकिंग टू यूरोप एंड यूरोप इज आल्सो डेस्परेटली लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। तो ये क्या कारण है इन दोनों कंट्रीज, इन द यूरोप और इंडिया के रिलेशन का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, क्यों ये आज दोनों एक साथ बहुत क्लोज आ रहे हैं, और देन आई विल गिव माई टेक। तो इन सारे चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करने जा रहे हैं। बट आगे बढ़ने के पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 4 नवंबर से हमारे चारों सेंटर्स में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं और ये भी एक बहुत बड़े डिस्काउंटेड प्राइस पे, विच इज़ अराउंड 59,999। सो दिस इज़ अ दीपावली गिफ्ट बाय अन अकेडमी आईएएस टू आवर डियर स्टूडेंट्स। तो करोल बाग में आप देख सकते हैं ये, मुखर्जी नगर में आप देख सकते हैं, प्रयागराज में देख सकते हैं और पटना में भी हमारे अब बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि अन अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, एसए राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट करना होगा, यानी तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब अगर हम लोग इंडिया और यूरोप के रिलेशन का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो अगर कोल्ड वॉर के समय की बात करें तो कोल्ड वॉर में इंडिया एक तरीके से यूरोप से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था। इनफैक्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का हमेशा से ऑब्जेक्टिव था कि ग्लोबल पावर्स के साथ कैसे अपने रिलेशंस को मैनेज कर सकें, जिसमें अमेरिका और दूसरे तरफ सोवियत यूनियन, तो इन दोनों कंट्रीज से हमारा ज़्यादा ऑब्सेशन था। और साथ ही साथ उस समय वी हैव ऑलवेज ट्राई टू बिकम द लीडर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, इसके लिए हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे। तो मतलब उस समय इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के रडार में यूरोप दूर दूर नहीं था। इसमें एक एक्सेप्शन है फ्रांस, फ्रांस के साथ हमारा रिलेशन उस समय भी काफी अच्छा था, लेकिन इन जनरल इंडिया का फॉरेन पॉलिसी के जो रडार है उसमें यूरोप नहीं था। इसीलिए सी राजा मोहन अपने एडिटोरियल में कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक नेगलेक्ट ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, कि उस समय इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैव ऑलवेज नेगलेक्टेड यूरोप फ्रॉम इट्स प्रायोरिटी एरिया। तो उस समय हमारा रिलेशन कुछ काफी अच्छा नहीं था और ऐसे भी कोल्ड वॉर आपको पता है यूरोप जो था वो अमेरिका के साथ सोवियत के अगेंस्ट काम कर रहा था और इंडिया का सोवियत के साथ इन प्रिंसिपल अच्छा रिलेशन था, जिसकी वजह से यूरोप के साथ नेचुरली हमारा रिलेशन उतना बेटर नहीं हो सकता और हमने कभी बेटर करने का प्रयास भी नहीं किया, जिसको सी राजा मोहन स्ट्रैटेजिक नेगलेक्ट कहते हैं।
कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ, सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, उसके बाद हमारे फॉरेन पॉलिसी में रिकैलिब्रेशन आया। आपको पता होगा कि हमने जियो इकोनॉमिक्स पे फोकस किया, हम जियो पॉलिटिक्स को छोड़ दिए। अब हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें किसी भी कंट्री से असिस्टेंस आ जाए तो हम लेंगे, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो आसियान कंट्रीज हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो। तो इसकी वजह से इसकी इस फॉरेन पॉलिसी में रिकैलिब्रेशन के बाद इंडिया का रिलेशन आपको पता होगा वेस्ट के साथ काफी अच्छा हुआ, और सन 2000 में फर्स्ट ईयू इंडिया समिट भी हुआ। तो ये एक बहुत ही बड़ा समिट था जिसमें ईयू के बहुत सारे लीडर्स और इंडिया के जो समय के प्राइम मिनिस्टर थे वो पार्टिसिपेट किए थे। 2004 में हमारे रिलेशनशिप को अपग्रेड कर दी गई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में, और 2007 में हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को भी स्टार्ट किए। तो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद रिलेशन में एक रिकैलिब्रेशन देखने को मिला, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से ये दोनों कंट्री पास में आने लगे। लेकिन डिस्पाइट दिस थिंग रिलेशनशिप में कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। ऑल्दो ये लोग पास आए, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई, समिट हुई, बट दोनों के रिलेशनशिप में कोई बहुत सिग्निफिकेंट जंप देखने को नहीं मिला। और इसके दो प्राइमरली रीजन है कि इंडिया और ईयू दोनों अपने नेबरहुड में काफ़ी ज़्यादा इंगेज था। इंडिया के नेबरहुड में आपको पता है पाकिस्तान का एक बहुत परसिस्टेंट प्रॉब्लम है, तो उसको मैनेज करने के लिए हम सब चीज़ें कर रहे थे, और यूरोप यूनियन का जो एक सबसे बड़ा चैलेंज रहा है रशिया, उसको वो मैनेज करने के लिए, बिकॉज इस समय पुतिन की एग्रेसिवनेस, आपको पता है 2008 में सबसे पहली बार पुतिन ने कहा था कि वेस्ट को कि डोंट ओवरस्टेप, आई कैन डू एनीथिंग, तो 2008 के बाद से पुतिन की भी एग्रेसिवनेस देखने को मिली थी। तो एक तरफ यूरोप पुतिन के चैलेंज को मैनेज करने में और इंडिया पाकिस्तान के चैलेंज को मैनेज करने में अपना अपना प्रीऑक्यूपाइड था, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक के लिए इंडिया और चाइना दो ऑप्शन थे यूरोप के पास। तो यूरोप ने चाइना को चुना बिकॉज चाइना एक तरीके से बेटर स्किल्ड वर्कफोर्स दे पा रहा था, चाइना के जो मिडिल क्लास थी उसके पास ज़्यादा पैसा था, तो चाइना उनके लिए ज़्यादा बड़ा मार्केट था। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स बने यूरोप के यूरोपियन कंपनीज के द्वारा, जितने भी इन्वेस्टमेंट हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुए, तो उसमें यूरोप ने चाइना को ऑप्शन की तरह चुना और इंडिया को उन्होंने ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दिया, जिसकी वजह से रिलेशनशिप कोल्ड वॉर के बाद बढ़ा बट रिलेशनशिप में कोई सिग्निफिकेंट जंप देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर अभी करंट स्टेटस की बात करें तो साफ दिखता है कि यूरोप जो है इट इज़ लुकिंग टूवर्ड्स इंडिया, यूरोप वांट्स टू गेट अवे फ्रॉम चाइना एंड वांट्स टू नाउ जॉइन इंडिया। तो 2018 में देख सकते हैं ईयू का एक स्ट्रैटेजी ऑन इंडिया करके रिपोर्ट निकला, जिसमें उसने पहली बार इंडिया को एक नेचुरल पार्टनर का स्टेटस दिया यूरोप यूनियन का। 2021 में यूरोप यूनियन का स्ट्रैटेजी फॉर कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक करके एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया, जहां पे उसमें कहा गया कि इंडिया इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं 2018 और 21 के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में इंडिया के रोल को काफी क्लियरली बताया गया। और इसी नए इमर्जिंग दोस्ती का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2021 में हुआ, जो कि हमारा 15वां इंडिया ईयू समिट था। यह इसीलिए एक टर्निंग पॉइंट बना, एक बहुत खास मोमेंट बना इंडिया ईयू के रिलेशनशिप में, बिकॉज पहली बार ईयू प्लस 27 लीडर्स मीटिंग फॉर्मेट में हम पार्टिसिपेट किए। मतलब एक तरफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और दूसरे तरफ यूरोप यूनियन के जितने भी कंट्रीज हैं उन सारे कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट ये सब एक साथ एक वर्चुअल समिट में मिले। पहले क्या होता था कि हमारा इंडिया ईयू का समिट तो ये 15वां है, हमेशा होते रहा है, लेकिन ईयू के सारे कंट्रीज के लीडर पार्टिसिपेट नहीं करते थे, यूरोप यूनियन के कुछ प्रमुख लोग पार्टिसिपेट करते थे, बट ये एक पहला ऐसा समिट था इंडिया में जिसमें यूरोप यूनियन के सारे कंट्रीज के सारे लीडर पार्टिसिपेट किए, जिसकी वजह से ईयू जो है वो पहला समिट ऐसा किसी कंट्री के साथ किया है एक्सेप्ट अमेरिका। इस तरीके का समिट ईयू यूएस के साथ करता है, लेकिन इंडिया वॉज द ओनली फर्स्ट कंट्री जिसके साथ उसने इस तरीके के समिट को, और इस समिट काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट आउटकम भी डिलीवर किया, जिसमें इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और रोड मैप टू 2025 का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रेडी हुआ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत वापस से शुरू होगी जो 2007 में हमने स्टार्ट किया था। बाकी क्लाइमेट चेंज, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म इंक्लूडिंग WTO रिफॉर्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोलैबोरेशन की भी बात हुई। अब
इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी आप देखोगे लास्ट ईयर और इस साल बहुत इंपॉर्टेंट विजिट रहा है, पोलैंड विजिट किए हैं, यूक्रेन विजिट किए हैं, इसके अलावा आपका ऑस्ट्रिया विजिट किए हैं। तो मतलब आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो भी यूरोप के ऊपर अपना फोकस बढ़ाए हैं, लेकिन प्राइमरली जो सेंट्रल यूरोप है वहाँ पर ज़्यादा फोकस को अपना बढ़ाए हैं, बिकॉज हमेशा से हमारा रिलेशन फ्रांस, जर्मनी और पहले ब्रिटेन इनसे ज़्यादा ऑब्सेस था, लेकिन सेंट्रल यूरोप के कंट्रीज़ को हमने हमेशा से नेगलेक्ट किया है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनमें भी अपना इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। इसके अलावा आपको पता होगा लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इंडिया ने साइन किया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ, जिसमें ये चार कंट्री हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, लिक्टनस्टाइन और स्विट्जरलैंड। इन चारों कंट्रीज के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जो जिसकी वजह से पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने वेस्टर्न कंट्री के किसी ब्लॉक के साथ किया था। तो ये भी बताता है कि इंडिया और इस यूरोप के कंट्रीज के साथ रिलेशन हमारा काफी बढ़ा है। इसके बाद अगला स्टेप ऑब्वियसली यूरोप यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो भी आने वाले टाइम में पॉसिबल है। अब क्या रीजंस हैं इन दोनों के इतने क्लोज आने के? सबसे पहला रीजन है कि चाइना जो है आज वो यूरोपियन प्रोजेक्ट को तोड़ना चाह रहा है। आज आपको पता है कि चाइना जो है वो अपने 16+1 एक करके मीटिंग करता है, जिसमें जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ हैं और जो सेंट्रल यूरोप के कंट्रीज़ हैं, जो अपने आप को वेस्टर्न यूरोप से काफ़ी अलग मानते हैं, वो अपने आप को मानते हैं कि वेस्टर्न यूरोप उनको उतने अच्छे से पैसा नहीं देता है। तो इसी ग्रोइंग डिविजन जो यूरोप यूनियन के कंट्रीज़ के बीच में आपस जो एक तरीके से टकरार है, उसका फ़ायदा चाइना उठाकर चाइना यूरोप यूनियन का जो एक सक्सेस रहा है, एक ऐसा ब्लॉक जो कम्प्लीटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, कम्प्लीट मोबिलिटी है, एक तरीके से एग्जाम्पल है कैसे आप रीजनल वे में एसोसिएट कर सकते हो एक साथ, उस प्रोजेक्ट को, उस चीज़ को चाइना तोड़ना चाह रहा है। और आज ये यूरोप के बड़े बड़े कंट्रीज़ को समझ में आ चुका है। इंडिया का खुद आज बहुत बड़ा रेलेवेंस पड़ा है रीजनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। इंडो पैसिफिक का कंस्ट्रक्ट है जहाँ पे यूरोप जो है वो इंडिया के साथ ज्वाइन करके ये इंश्योर कर रहा है कि इंडो पैसिफिक फ्री और ओपन हो। रशिया यूक्रेन वॉर में आप देखिए कि यूरोप जो है वो चाइना को कभी छोड़ना नहीं चाहता था। अमेरिका का सबसे बड़ा आज चैलेंज है चाइना, तो अमेरिका यूरोप को अपनी तरफ लाना चाहता था, लेकिन यूरोप बोलता था कि नहीं भैया कि हमको पावर राइवलरी में नहीं आना है, हमको चाइना के साथ शांति से ट्रेड करने दो। लेकिन आज जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है और अमेरिका यूरोप की सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो आज अमेरिका कहता है कि जब मैं आपके सिक्योरिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया हूं यूरोप में रशिया के अगेंस्ट, तो आप मेरे चैलेंज चाइना के अगेंस्ट भी काम करो। तो जिसकी वजह से आज जो है यूरोप जो है वो अमेरिका के साथ कर रहा है चाइना को बैलेंस करने के लिए। इकोनॉमिक कन्वर्जेंसेज है, आज इंडिया एक राइजिंग पावर है, हमारा एक ग्लोबल मिडिल क्लास है, एक डेमोग्राफिक यूथ है, जिसकी वजह से एक कन्वर्जेंसेस हैं। आप देख सकते हैं जर्मनी के जब प्रेसिडेंट इंडिया है, चांसलर इंडिया है, तो उन्होंने कहा कि इंडिया के पास स्किल वर्कफोर्स है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और ये एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है कि वहां से लोग यहां पे आए। इसलिए उन्होंने नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स का वीजा इंडिया के लिए 20,000 से 90,000 प्रति ईयर बढ़ा भी दिया। नाउ व्हाट इज माय टेक? तो माय टेक इज कि यूरोप है आज वो फाइनली इट हैज अवोकन अप टू द चाइना चैलेंज, और दिल्ली भी आज हमेशा से हम यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स के साथ दोस्ती नहीं करना चाहते थे, एक तरीके से टैबू था, बहुत ही ज़्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे ब्रिटेन के साथ दोस्ती, वो ब्रिटेन जो हमको गुलामी किया, फ्रांस जो हमको गुलामी किया, लेकिन आज उस इमेज से हम बाहर जा चुके हैं, बिकॉज दिल्ली के लिए आज यूरोप के साथ रिश्ता बनाना एक स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है। क्यों? बिकॉज आज जैसे जैसे चाइना का चैलेंज इंडिया के लिए बढ़ रहा है, इंडिया चाहता है एक मल्टीपोलर एशिया हो, एक यूनिपोलर एशिया नहीं हो, इसके लिए इंडिया को अमेरिका भी चाहिए और यूरोप भी चाहिए। तो जिसकी वजह से यूरोप हैज आल्सो नाउ वोकन टू चाइना चैलेंज एंड इंडिया हैज आल्सो ब्रोकन इट्स टैबू ऑफ मेकिंग रिलेशन विद द यूरोपियन कॉलोनियल पावर, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक रिलेशन काफी ज्यादा बढ़ा है और आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकता है। आपका क्या टेक है आप जरूर बताएं। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।